नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के जया किशोरी जी के द्वारा की जा रही भागवत कथा के आयोजन में। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहां पर भक्तगण भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। कहाँ से आए हैं? धनवंतरी नगर। तो कैसा लग रहा है कथा में आकर के? अच्छा लग रहा है। क्या क्या सुना आज आपने? क्या क्या सुना? हम तो भाई आए, अब सुन रहे हैं यार भाई। अब तो शाम को कितने बजे से कितने बजे तक कथा चलती है ये? 3 बजे से 6 बजे तक। 3 बजे से 6 बजे तक। तो रोज आ रहे हैं आप? हाँ। तो अच्छा लगता है यहाँ श्री कृष्ण जी के जीवन के बारे में भागवत कथा सुन करके? लग रहा हूँ भाई जी। आपका शुभ नाम? हमारा राम प्रसाद सेन जी। आज प्रथम दिन आप आए हुए हैं यहाँ पर कथा? एक दो बार और बीच में जी। तो कैसा माहौल है, कैसा यहाँ श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सुनकर कैसा प्रतीत करते हैं? अरे आनंद बरस रहा है यहाँ तो, ऐसा लग रहा है जैसे मथुरा और वृंदावन यहीं आ गया हो। आइए आपको ले चलते हैं भागवत कथा में और दिखाते हैं ये आयोजन। 6 बच्चे याद आ रहे जिसकी हत्या उसने बहुत क्रूरता से की। एक होता है हत्या, एक होती है क्रूरता से हत्या। उसने बहुत क्रूरता से हत्या, और अचानक भगवान को इतना क्रोध आया कि भगवान ने मिट्टी का रूप लिया हाथ का, और उसकी छाती पर भगवान तब तक वार करते हैं जब तक उसकी मृत्यु न हो। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। अब भगवान कारागार के अंदर जाते हैं, अपने माता पिता वसुदेव जी और देवकी माता को बाहर लाते हैं। देवकी माता भगवान को हृदय से लगाती है, कितने वर्षों का इंतजार। अपने बाबा उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकलते हैं। उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। कुछ समय भगवान वहां रहे, कुछ समय बाद उनको गुरुकुल भेज दिया जाता है। गुरुकुल में उनकी भेंट होती है सुदामा जी से। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। अब एक शाम का समय है, उन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है। तो गुरु माता से जाकर कहते हैं। गुरु माता ने कहा कि लकड़ियां खत्म हो गई है, एक काम करो तुम लकड़ियां लेकर आओ, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, पर अगर रास्ते में ज्यादा भूख लग जाए तो ये कुछ चने दे रहे हैं, ये दोनों मिल बांट कर खाना। अच्छा, चने की जो पोटली है वो सुदामा जी के हाथ में दी। दोनों जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं। अब वापस आ रहे हैं कि जोर से वर्षा होने लगती है। तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठे। अब यहां पर जब वर्षा हल्की हुई तो सुदामा जी चने खाने लगते हैं, उनको भूख लग रही है, अपने हिस्से के खा लेते हैं।
अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, और थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा ही खा लेते हैं। अब भगवान बीच में पूछते हैं, क्योंकि भगवान को आवाज आई, भगवान कहते सुदामा तुम चले खा रहे हैं, और उसने तब तक काफी खा लिए थे, तो डर के मारे कहते नहीं तो, अरे बोले मुझे आवाज आ रही है चबाने की, बोले वो ठंड बढ़ गई है ना तो दांत बज रहे हैं। तो महाराज यहाँ पर जब सुबह वर्षा खत्म होती है दोनों नीचे उतरते हैं, भगवान ने कहा अरे सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है जरा वो चने देना। सुदामा जी रोने लग गए कि वो चने तो मैंने खा लिए। भगवान कहते कोई बात नहीं, वहां जाकर कहना दोनों ने मिल बात कर। पर उस वक्त जो गुरु होते थे, जैसे कहना पहले जो गुरु होते उनको परखने की जरूरत बहुत सिद्ध होती थी, गुरु जी ने गुरुकुल में बैठे बैठे वो पूरा दृश्य देखी। गुरु जी ने गुरु माता से कहा कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिखी, किसी और का हक मत मानो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, गृहस्थ चुना है, काम करेंगे, धन कमाएंगे, व्यापार करेंगे, उन्नति करेंगे, जीवन जितने उच्च स्तर पर जीना चाहते हैं हर रूप से, चाहे वो धन के रूप से है, भावनाओं के रूप से है, परिवार के रूप से, इच्छाओं के रूप से है, बहुत उच्च स्तर पर जिए, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी मेहनत का जितना हो उतना ग्रहण, जितना चाहिए और मेहनत करो और ग्रहण करो, पर अपनी मेहनत, अपने हक का, किसी और का हक मत मारो। जब आप किसी और का हक मारते हैं तो आप अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं, और ये मत सोचिएगा कि तुरंत आएगी, सुदामा जी के जीवन में तुरंत नहीं आई। बड़े होते हैं, गुरुकुल से भी चले गए, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तब जाकर आती है ऐसी दरिद्रता, उनके घर में अन्न का दाना नहीं था, ऐसी हालत हो गई थी। तो किसी और के हक का भोजन है, धन है, पद है, खुशियां हैं, अगर उस पर किसी और का हक है तो उसको ग्रहण मत करो। आइए अब निवेदन है कि अब हम उस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं, उस सब अपनी जगह बैठ जाए, वहां से आना जाना जो भी वॉलंटियर्स है कार्यकर्ता है वहां खड़े हो जाए, अब आना जाना सब बंद करवा दीजिए, अब कोई आधी घंटा कोई आना जाना ना करे, सब शांति से बैठे रहे। तो यहाँ पर भगवान पूरे एक वर्ष भी गुरुकुल में नहीं रहते, पर फिर भी अगर बोला जाए तो एक वर्ष की शिक्षा उन्होंने ली, फिर वो वापस मथुरा आ गए, भगवान को राजा बनाया गया, अब वो अपना राज्य संभाल रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान को ब्रज की बहुत याद आती थी, किसी को इतना बताते नहीं। तो एक दिन की बात है, और उस महल में उस वक्त भगवान के साथ भगवान के अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा माने बेस्ट फ्रेंड, एक ही अतरंग सखा यानी बेस्ट फ्रेंड। भगवान का बेस्ट फ्रेंड कौन था? उद्धव, भगवान के सबसे अच्छे मित्र थे और बिल्कुल भगवान जैसे थे, यानी दिखते भी भगवान जैसे थे। अगर दूर से वो चल कर आ रहे हैं, अगर ध्यान से कोई व्यक्ति नहीं देखे तो उसको यही लगे भगवान चल कर आ रहे हैं। तो चाल ढाल रंग रूप नाम नक्शा सब भगवान जैसे थे, स्वभाव ज्ञानी बहुत थे उद्धव जी, उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी, तो ज्ञानी बहुत थे। एक कमी थी, उद्धव जी ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं मानते थे, ज्ञान सबसे ऊपर है, पर भगवान को पता था ज्ञान से ऊपर भी एक चीज है, वो है पर हमारा आपका नहीं।